नमस्कार, जोहार झारखंड में आपका स्वागत। में राहुल ओझा आपके साथ। राज्य से बड़ी खबर है, जय हेमंत। कैबिनेट में विभाग का बंटवारा हो चुका है। चंपाई सुरेन को जल संसाधन मंत्री बनाया गया है तो रामेश्वर उरांव को वित्त विभाग मिला है। सत्यानंद भोक्ता उद्योग विभाग संभालेंगे तो बन्ना गुप्ता स्वास्थ्य विभाग संभालेंगे। दीपक गुरवा को परिवहन विभाग का जिम्मा दिया गया है तो इरफान अंसारी ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री बनाए गए हैं। मिथिलेश ठाकुर को पेयजल विभाग दिया गया है तो हफीजुल हसन को पर्यटन विभाग दिया गया है। तो कई ऐसे विभाग हैं जिस विभाग को संभाल चुके हैं ये मंत्री और वही फिर से विभाग इनको दिया गया है। तो दीपक बिरवा को परिवहन विभाग दिया गया है, इरफान अंसारी को ग्रामीण विकास विभाग दिया गया है, मिथिलेश ठाकुर को पेयजल विभाग दिया गया है, इस विभाग को ये पहले भी संभाल चुके हैं। हफीजुल हसन को पर्यटन विभाग दिया गया और पर्यटन विभाग को हफीजुल हसन इससे पहले भी निभा चुके हैं। तो बेबी देवी को महिला विकास विभाग दिया गया है तो ये अब मंत्री होंगे इन विभागों के। हालांकि वक्त बहुत कम है, कह सकते हैं कि 3 से 4 महीनों का वक्त जो है वो बचा हुआ है, क्योंकि इसी साल अंत में झारखंड विधानसभा के उपचुनाव होना है, माफ कीजिएगा, विधानसभा चुनाव होना है और ऐसे में इस चुनाव के पहले ये कार्यकाल काफी कम दिनों का होगा और ऐसे में प्राथमिकताएं भी ये मंत्री बता रहे हैं कि जो कम समय बचे हैं उसमें हमारी प्राथमिकता होगी कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाभ दिलाया जा सके। हेमंत सोरेन के सत्ता संभालने के बाद झारखंड में कैबिनेट का विस्तार हुआ। हेमंत कैबिनेट में जेएमएम कोटे से 6 विधायक, कांग्रेस कोटे से 4 विधायक और आरजेडी कोटे से एकमात्र विधायक मंत्री बने। हेमंत कैबिनेट का विस्तार, जेएमएम कोटे से 6 एमएलए बने मंत्री, कांग्रेस से 4 विधायक बने मंत्री, आरजेडी से सत्यानंद भोक्ता बने मंत्री। मैं चंपाई सोरेन ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित, मैं झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूँगा। झारखंड राजभवन के बिरसा मंडपम में हेमंत सोरेन कैबिनेट का विस्तार हुआ। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने 11 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई। सबसे पहले पूर्व सीएम चंपाई सोरेन ने मंत्री पद की शपथ ली। मैं चंपाई सोरेन ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। इसके बाद एक एक कर जेएमएम कोटे से 5 और मंत्रियों ने भी शपथ ली। इनमें बैजनाथ राम हेमंत सरकार में पहली बार मंत्री बने हैं, जबकि मिथिलेश ठाकुर तीसरी बार, दीपक बिरुआ दूसरी बार, हफीजुल हसन और बेबी देवी ने भी तीसरी बार मंत्री पद की शपथ ली। ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत की संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा। हेमंत मंत्रिमंडल में कांग्रेस कोटे से 4 विधायकों को जगह मिली। राज्यपाल सीपी राधा कृष्णन ने कांग्रेस विधायक रामेश्वर उरांव, बन्ना गुप्ता, दीपिका पांडे सिंह और इरफान अंसारी को पदम गोपनीयता की शपथ दिलाई। मैं रामेश्वर उरांव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा निष्ठा रखूंगा। मैं झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक एवं शुद्ध अंतकरण के निर्वहन करूंगा। आरजेडी कोटे से एकमात्र विधायक सत्यानंद भोक्ता को भी हेमंत कैबिनेट में जगह मिली है। इससे पहले भी सत्यानंद भोक्ता हेमंत सोरेन और चंपाई सोरेन के कार्यकाल में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। ईश्वर के शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। हेमंत कैबिनेट में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत 12 कैबिनेट मंत्री बने हैं। इनमें से कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे सिंह और इरफान अंसारी को पहली बार मंत्री बनने का मौका मिला। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। हेमंत कैबिनेट में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत 12 कैबिनेट मंत्री बने। मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद नेताओं ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। तो देखिए, हेमंत कैबिनेट में आपको बधाई देना चाहती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ कि आप काम हम लोग करना है और आगे
चुनाव भी सामने है, चुनाव को भी हम लोग को सामना करना है। निश्चित रूप से जनहित में योजना जो तैयार किया गया उसको बड़ा तेजी से हम लोग काम को आगे बढ़ाएंगे। चंपाई दा कौन से मंत्री होंगे इस बार ही बता दीजिए, वो आप लोग को पता मिल जाएगा। उप मुख्यमंत्री बनने को लेकर भी बहुत चर्चाएं हैं कि आप उप मुख्यमंत्री पद पे होंगे। अच्छा, हम भी जहाँ भी रहते हैं ना अच्छा ही रहते हैं। ठीक है। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का, प्रियंका जी का, सोनिया गांधी जी का और मीर साहब का, राजेश ठाकुर जी का और हमारे जो मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी का, जो इस परिस्थिति में मुझे मौका मिला है। आप लोग जानते हैं कि एक बहुत बड़ी चुनौती है, भाजपा है जो एक्सपर्ट है, हर मामले में झूठ का एक्सपर्ट भाजपा है, इसको धाराशाही हम लोग को करना है। और मैं फिर से मैं कहना चाहता हूँ कि जब भी मुसीबत होता है तो मैच फिनिशर को लाया जाता है, टेस्ट हो, वनडे हो, अब आ गया 2020, अब वो भी 2020 में अगर मैच फिनिशर को नहीं लाएगा, चुनाव आने वाला है, तो निश्चित तौर पर मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ, ये जो आवाम है, अखिलेश जो है, लोकसभा में पोलिंग कम किया क्योंकि टिकट नहीं मिला था, उसका भरपाई कांग्रेस पार्टी अभी भी है। न माजी न रहबर न हक में हवा है, जर्जर है किस्ती, ये कैसा सफर है, अलग ही मजा है, फकीरी का अपना न पाने की चिंता न खोने का डर है। इसलिए ये सरकार जनता की थी, जनता की है, जनता की रहेगी और जनता के आशा उम्मीद पर खरा उतरेगी 100%। भाजपा ने कोशिश की थी, अब उससे बाहर आ गए हैं, अब तरह तरह के थपेड़े खा के लोग पत्थर की तरह सख्त हो गए हैं। अब चाहे कितना भी कोशिश किया जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा और जो जनता से किए गए जो वादे थे उसे माननीय हेमंत जी के नेतृत्व में पूरा किया जाएगा। हेमंत सोरेन कैबिनेट के विस्तार पर बीजेपी ने चुटकी ली है। बीजेपी ने कैबिनेट विस्तार को बिना मुहूर्त के बैंड बाजा और बारात बताया है। सरकार का शपथ ग्रहण कुछ उसी प्रकार का प्रतीत हो रहा था जैसा बिना मुहूर्त का बैंड बाजा और बारात हो, और घोड़े की सवारी तो चंपई सोरेन जी अच्छे से कर रहे थे, बिना वजह का उनको खींच कर घोड़े से उतार दिया गया और हेमंत सोरेन खुद कूद कर घोड़े पर सवार हो गए और चंपई सोरेन जी को दूल्हे से फिर सहवाला बना दिया गया। तो ये कौन सा लॉजिक था साहब? और ये सरकार तो वैसे भी राजनीतिक मृत्युशैया पर पड़ी हुई है। करता हूं कि यह सभा वर्तमान मंत्री परिषद में विश्वास प्रकट करती है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा में विश्वास मत जीत लिया। सरकार के पक्ष में 45 वोट पड़े। वहीं जेएमएम से बागी होने वाले चमरा लिंडा और लॉबिन हेम्ब्रम ने भी सरकार के समर्थन में वोट किया। सीएम ने विश्वास मत प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने बीजेपी पर केंद्रीय एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया। अपने अपने कार्यों में लगेंगे और आज एक छोटा सा और इस राज्य के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित हो, ऐसा एक हम लोगों ने विचार रखा। क्योंकि राज्य में आप सबको पता है कि माइनिंग गतिविधियां सबसे अधिक चलती हैं, विभिन्न तरीके के माइनिंग एक्टिविटीज यहां पर होती हैं और हम लोग बोलते भी हैं कि 40% से अधिक खनिज संपदा हमारे राज्य में है, पूरे देश का। लेकिन उससे प्रभावित होने वाले लोगों के विषय को लेकर कोई स्पष्ट नीति सरकार के पास नहीं थी, जो विस्थापित हुए या जो विस्थापित होने वाले हैं उन लोगों के लिए। और आज हम लोगों ने बहुत जल्द विस्थापन आयोग बनाने का आज कैबिनेट में प्रस्ताव को रखा है और इस पर अब हम लोग बहुत जल्द एक मसौदा तैयार करेंगे। सभी विस्थापित लोगों का आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण भी हम लोग करेंगे। एक डाटा बेस तैयार किया जाएगा जिससे सभी माइनिंग क्षेत्रों में उतार चढ़ाव को हम लोग समझ सकें
और एक दस्तावेज हो, इस राज्य में हो रहे माइनिंग गतिविधियों को लेकर, उसका प्रभाव को लेकर हमारे लोग क्या खोते हैं, क्या पाते हैं, जिनको क्या मिला नहीं मिला, इसका प्रभाव क्या है, इसको लेकर हम लोग बहुत जल्द उसका एक मसौदा तैयार करेंगे। और जो यहाँ पर हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग, जिनको खेत खलिहान घर द्वार छोड़ना पड़ता है, उनको कैसे राहत पहुंचाई जाए, इसके लिए हम लोग सरकार एक नीति बनाएगी और इस नीति के साथ हम लोगों को जो प्रभावित लोग हैं उन पर और उनके लिए हम लोग काम करेंगे। ये सब अब हमने कहा है तो इसको धरातल पे उतारना भी हमारी जिम्मेवारी है। अब ये पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन ये आज हमने ये निर्णय लिया है तो निश्चित रूप से आप आश्वस्त रहें, जितना जल्दी हो सके हम लोग इसको प्राथमिकता के लिए, प्राथमिकता के आधार पर हम लोगों ने इसी सब्जेक्ट को आज हम लोगों ने इस पर सहमति जताई। कोई भी हो धरना प्रदर्शन छोड़े, सरकार बिल्कुल तैयार है आपसे बात करने के लिए, आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए। और ये तभी होगा जब लोग मिल बैठ के बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो इसके लिए धरना प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है, सरकार संवेदनशील सरकार है, इसके आंख कान नाक भी हैं, जो सुनती भी है, समझती भी है और समस्या का समाधान भी निकालती है। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आप सुन रहे थे। तो देखिए, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा में आज विश्वास मत जीत लिया, सरकार के पक्ष में 45 वोट पड़े। वहीं जेएमएम से बागी होने वाले चमरा लिंडा और लॉबिन हेम्ब्रम ने भी सरकार के समर्थन में वोट किया। सीएम ने विश्वास मत प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने बीजेपी पर केंद्रीय एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं है। सीएम के भाषण के दौरान बीजेपी विधायकों ने जमकर हंगामा किया और प्रो टेस्ट पास होने के साथ ही सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। पता है कि आज इन लोगों के पास कोई राजनीतिक ना इनकी सोच है, ना इनके पास कोई एजेंडा है। आज धन बल संवैधानिक संस्थाओं के बदौलत आज अपनी राजनीतिक रोटी चटकाने का प्रयास कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, इनको जवाब देने के लिए आप हमारे पास पूरा समय है। भाषण तो आप जितने दिख रहे हैं इनमें से आधे भी आ जाए वापस अध्यक्ष महोदय, ये बहुत बड़ी बात होगी। पूरे देश में लोकसभा के चुनाव में तो इनको चेहरा दिखाई दिया है, अब बचा है राज्यों का चुनाव और बहुत जल्द ये चुनौती और ये राजनीतिक प्रतिस्पर्धा ये सीधा हमारे सरकार महागठबंधन के साथ होगा, जहां एक एक करके इनके जो सोच है, इनके जो षड्यंत्र है, ये षड्यंत्र इन्हीं को दफन कर दिया जाएगा। झारखंड विधानसभा के एक दिन के विशेष सत्र में बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा भी उठा। नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी ने सदन में कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठ से संथाल परगना की डेमोग्राफी बदल रही है। उन्होंने संथाल परगना में तेजी से घटती आदिवासियों की जनसंख्या पर चिंता जाहिर की। इस दौरान उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ महज एक संयोग है या एक गहरी साजिश। में डेमोग्राफी आज चेंज हो गई है और ये बातें हाई कोर्ट ने भी मानी। हाई कोर्ट ने भी एक साफ निर्देशन दिया और ये स्टैंडिंग ऑर्डर
शुरू गवर्नमेंट नहीं दिया, उन्होंने सीधे उपायुक्तों को कहा। ये सरकार को समझना होगा कि संथाल पना के जिलों में डेमोग्राफी चेंज हो रही है और संथाल पना के सारे डीसी इस बात को जानकारी रखे और आपस में समन्वय बना करके इस डेमोग्राफी को कैसे हम रोके, इस डेमोग्राफी चेंज को कैसे रोके। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर बार बार संथाल परगना की डेमोग्राफी की बात क्यों होती है और क्यों बांग्लादेशी घुसपैठ को यहाँ की सबसे बड़ी समस्या कहा जाता है। दरअसल संथाल परगना के कुछ जिले बांग्लादेश सीमा से महज 40 से 50 किलोमीटर की दूरी पर हैं। इसलिए बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए झारखंड में घुसपैठ करना बेहद आसान होता है। साथ ही घुसपैठिए न सिर्फ घुसपैठ करते हैं बल्कि यहाँ शादी कर अपना कुनबा भी ये बढ़ाते हैं। इसके साथ साथ कुछ अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो संथाल परगना के साहिबगंज और पाकुड़ में आदिवासियों के मुकाबले मुस्लिम आबादी ज्यादा बढ़ी है। तो हेमंत सोरेन के फिर से सत्ता संभालने के बाद बीजेपी ने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया है। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने बोकारो के चास में भ्रष्टाचार को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान युवा मोर्चा ने हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष ने कहा कि यह सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के बैनर तले बोकारो जिला में चास प्रखंड कार्यालय में हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये सरकार आपके विरोधी सरकार है। आप देखे होंगे कि आय आवासीय जाति बनाने के लिए एक एक लड़का को डेढ़ डेढ़ साल घूमना पड़ता है तब आय आवासीय और जाति बनता है। ये सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। चाहे किसी को भी हो, हेमंत सरकार कुर्सी में होना चाहिए, हेमंत सोरेन कुर्सी में होना चाहिए और पूरा जो आज के समय में अंचल कार्यालय रहे चाहे जिला कार्यालय रहे सभी जगह में भ्रष्टाचार भरपूर भरा हुआ है और आज के समय में यहाँ युवा और छात्र पूरी तरह से परेशान है कि आज के समय में आप सभी लोग देख सकते हैं कि आज एक एक काम कराने के लिए चाहे जमीन का मोटेशन कराने के लिए लोगों को कड़ी मेहनत करना पड़ रहा है, घूस भी दे रहे हैं। सहायक पुलिस कर्मियों का राजधानी में चल रहा आंदोलन विधानसभा तक जा पहुंचा। विधानसभा से बाहर निकलने के बाद प्रतिनिधिमंडल में शामिल सहायक पुलिसकर्मी विवेकानंद गुप्ता ने बताया कि सरकार का स्टैंड क्लियर नहीं है। दरअसल सरकार से उन्हें बातचीत के लिए विधानसभा बुलाया था लेकिन प्रतिनिधिमंडल का कहना है कि उन्हें सिर्फ आश्वासन दिया गया। रहेगी, हम लोग अपना आवाज बुलंद करते रहेंगे जब तक स्पष्ट सरकार नहीं करेगी उनका स्टैंड क्लियर। स्टैंड क्या है आज केवल अविनाश सर और डारेल मैडम से बात हुई, हम लोगों ने अपना पक्ष रखा। पक्ष रखने के बाद उनके द्वारा बोला गया कि आपका जो मांग है वो जिनमिन है, हम अपने स्तर से सीएम स्तर सीएम सर तक पहुँचाएंगे, आपका निदान के लिए पहल करेंगे। गुमला के रायडीह प्रखंड के मरियम टोली शंख नदी में ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल ने 7 करोड़ रुपए की लागत से 2015 में पुल का निर्माण कराया था लेकिन 2 साल में ही बारिश के चलते आए बाढ़ में पुल का 2 पिलर धस गया। 7 साल होने के बावजूद सरकार और जिला प्रशासन को पुल की कोई सुध नहीं है जिसकी वजह से ग्रामीणों को जान जोखिम में डालकर आवागमन करना पड़ता है। पुल का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता रूपेश कुमार भगत ने। हम गुमला जिला के रायडीह प्रखंड के मरियम टोली गांव में आप देख सकते हैं, हमारे आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे। मरियम टोली गांव का यह पुल है शंख नदी में बना यह पुल 2015 में इस पुल की निर्माण कराया गया था और 2015 में पुल के निर्माण होने के साथ 2017 में यह पुल का आप देख सकते हैं 2 पिलर जो आपको दिख रहा है वो पूरी तरह ढस चुका है। 7 करोड़ रुपए की लागत से इस पुल का निर्माण कराया गया था और जो पुल है जो मात्र 2 साल भी नहीं टिक पाई और जो 2 पिलर है वो ढस गया। उसके बाद से जो लगातार आज 7 वर्ष हो गए हैं, 7 वर्ष हजारों ग्रामीण यहां से आवागमन करते हैं इस पुल से होकर के। आपको बता दें 2 दर्जन से अधिक गांव पड़ते हैं इस पार से उस पार की ओर में लेकिन ग्रामीणों को अभी भी भय रहता है। खास करके आपको बता दें बारिश के दिनों में कभी भी अनहोनी की आशंका रहती है, कभी भी पुल धस सकता है और लोगों की जाने जा सकती है। मतलब क्रॉस करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है ना आने जाने में, बड़ा गाड़ी लोग भी क्रॉस करता है तो यही सब। देखिए यहाँ पर हम लोग जितना आवागमन है आते हैं बहुत सारा गाँव पड़ता है, इसमें पार करने में अगर देखिएगा आप लोग भी नजदीक से पहुँच के अभी दिखाएंगे यहाँ पर चित्र के माध्यम से, हम लोग को पानी बहुत ज़्यादा रहता है उसमें डर लगता है। यहाँ गाड़ी भी इतना पुल टूटा हुआ है फिर भी उसी में पार होती है, हो ना हो कभी बीच रहें और पुल धस जाए
जान माल का, यहाँ जान माल का ये भाई बना रहता है हम लोग का। 7 साल में एक पुल नहीं बदल पाया, सरकार लाख दावे कर ले कि जो विकास है वो गांव तक हो रही है, गांव गांव तक, लेकिन यहाँ पे जब हम आते हैं तो जो जो सरकार की जो दावे हैं उसकी ये दावे पर ये पोल खोलती है। आपको हम रिपोर्ट दिखा रहे हैं, रुपेश कुमार भगत, न्यूज 18, गुमला। पागुड़ के हिरनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारी टूटे फूटे स्टाफ क्वार्टर में रहने के लिए मजबूर है। क्वार्टर के छत से पानी टपकता है। विभाग में कई बार शिकायत करने के बावजूद समस्या का अभी तक कोई समाधान निकाला नहीं गया। स्टाफ तो कटर से भी जर्जर है और इसका अब हमको नहीं लगता है कि अभी बनेगा भी, क्योंकि ACSC जो हमारा पुराना हो गया, इसके जगह में दूसरी जगह जब तक नहीं बनेगा तब तक ये हमको लगता है रिपेयर भी नहीं होगा। और ये ऐसे ही बहुत दिन से देख रहे हैं, हम जब से आए बहुत कंडम ही है। इंजीनियर जो आए थे तो लोग इसको डैमेज ही घोषित करते हैं, इसीलिए जब तक इसको तोड़ के ही बनाना होगा।